भारत अर्थव्यवस्था की रैंकिंग में 5वें से 7वें स्थान पर फिसल गया है। वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी के आधार पर देशों की 2018 की रैंकिंग गुरुवार को जारी की है। 2017 में भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ 5वां स्थान हासिल किया था, लेकिन 2018 में ब्रिटेन और फ्रांस से पीछे हो गया है। 20.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ अमेरिका टॉप पर है। दुनिया के 10 जीडीपी वाले देश हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले पर अमेरिका है, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर जापान, चौथे पर जर्मनी, पांचवें पर ब्रिटेन, छठे पर फ्रांस, सातवें पर भारत, आठवें पर इटली और ब्राजील, नौवें नंबर पर है और दसवें नंबर पर कनाडा है। ये सभी जीडीपी ट्रिलियन डॉलर के आधार पर हैं। नंबर दो, क्या कारण है कि भारत की रैंकिंग घटी है? अर्थशास्त्रियों के मुताबिक मुद्रा में उतार चढ़ाव और ग्रोथ में सुस्ती की वजह से रैंकिंग प्रभावित हुई है। 2017 में डॉलर के मुकाबले रुपया 3% मजबूत हुआ था, लेकिन 2018 में 5% की गिरावट आई है। तीसरा जो मुख्य कारण रहा है, आर्थिक सर्वे के आधार पर 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लिए सालाना 8% की ग्रोथ जरूरी है। 2018-19 में जीडीपी ग्रोथ 6.8% रही, यह 5 साल में सबसे कम है। आर्थिक सर्वे के मुताबिक बीते 5 साल में विकास दर औसत 7.5% रही। सर्वे के मुताबिक 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर साल 8% की ग्रोथ जरूरी है। इसमें खपत और निवेश की अहम भूमिका रहेगी। तो दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर आप क्या समझते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।